हेलो एवरीवन, माय नेम इज डाइटिशियन अनुराधा जौहर और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं द हर्ब्स दैट आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द क्योरिंग ऑफ PCOS। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि PCOS है क्या, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है और सिंड्रोम है जो बेसिकली यंग फीमेल्स में पाया जाता है और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो ओवरीज होती हैं वो लार्ज इन साइज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जस्ट हम एक ब्रीफ रिकैप कर देते हैं सिम्टम्स का। सिम्टम है फेशियल हेयर्स, सेकंड सिम्टम्स हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक होना, थर्ड है एबनॉर्मल मेंसेस पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, कभी दो दो तीन तीन मंथ आएंगे ही नहीं, जब आएंगे तो वो कंट्रोल नहीं होते, स्टॉप नहीं होते। इसके अलावा ओबेसिटी या सडन वेट गेन जो है इसका सबसे सबसे मेन सिम्टम जो है वो ओबेसिटी को भी मान सकते हैं। मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो इसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द सर्ट होता है वो सडनली राइज करना शुरू कर देता है, उस वजह से भी फीमेल्स जो हैं जो लेडीज़ वो जाती हैं डॉक्टर के पास और उनको डायग्नोज होता है PCOS। तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि PCOS की वजह से वेट गेन होता है, ऐसा भी हो सकता है कि वेट गेन हो, वेट बढ़ा हुआ हो उस वजह से PCOS हो गया। ये दोनों चीज़ें जो हैं जो दोनों चीज़ें हैं ये इंटरलिंक्ड है, PCOS एंड वेट गेन ये दोनों इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। PCOS की वजह से वेट गेन हो सकता है या वेट गेन होने की वजह से PCOS हो सकता है। सो ये जो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एग्जैक्ट जो कॉज है वो हम नहीं बता सकते, बट ये बता सकते हैं कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ न्यूट्रिशनल चेंजेस से हम इसको क्योर कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा वेट लॉस। जैसे ही हमारा वेट कंट्रोल हो जाता है PCOS भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाता है बिकॉज जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, जैसे ही वेट नॉर्मल होता है, इंसुलिन लेवल बॉडी में नॉर्मलाइज होते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, वेट डाउन हो जाता है और अपने आप जो हार्मोन्स हैं प्लस कुछ मेडिकेशंस की भी ज़रूरत होती है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से, फॉर एग्जांपल योगा, लाइट एक्सरसाइज, वॉक से करने से, मेडिटेशन करने से भी बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से जो है वो हमें छुटकारा मिल सके। अब हम बात करेंगे मैं चीज़ें हमें इसमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशनल केयर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात मैंने कही थी रिफाइंड शुगर्स, जो शुगर्स होती हैं वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और वो जो होती हैं वो रिफाइंड शुगर्स होती हैं, दैट मीन्स उनमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ जो है वो कार्ब्स होते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इमीडिएटली जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इस टाइम पे जो हमारी बॉडी है यहाँ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट पे होती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज सीक्रेट करते हैं ग्लूकोज में, के कारण अगर हम रिफाइंड शुगर ज़्यादा लेंगे तो हमें डायबिटीज़, वेट गेन और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है रिफाइंड शुगर्स अवॉइड करनी है। सेकेंड चीज़ जो हमें हमें पूरी तरह अवॉइड करनी है या कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोई भी जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उन्हें हमें पूरी तरह से इमिट करना होगा अपनी डाइट से। सेकेंड थिंग इज़ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं, सिंपल 15 टू 20 मिनट्स वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन लेट इवनिंग आवर्स। आप जैसे ही अपना डिनर करते हो शाम को, यूजुअली हमारी रूटीन क्या रहती है कि हम टीवी के सामने बैठ के डिनर करते हैं और देन उसके बाद डिनर करके या तो अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए या तो टीवी ऑन रहता है, मोस्टली लेडीज़ का, फीमेल्स का, क्योंकि वो पूरा दिन एग्जॉस्ट हो गई होती है काम करके। तो दैट मीन्स ये जो रूटीन है अगर हम उसको चेंज करके 10-15 मिनट्स रेगुलर वॉक करें, चाहे अपने लॉन में, कहीं भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो इट विल प्रूव वेरी वेरी हेल्पफुल इन क्योरिंग दिस प्रॉब्लम। चीज़ जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है वो है जो भी ऐसे फूड आइटम्स हैं, जो भी ऐसे फूड स्टफ्स हैं, जैसे पास्ता हो गया, मैगी हो गई, पूरी हो गई, वाइट ब्रेड हो गया, ये आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है बिकॉज ये सारे जो हैं इन सब का, सारे जो फूड आइटम्स हैं इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम ये जान सकते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडेक्स है जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी फूड कितनी जल्दी डाइजेस्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है,
इस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको हमेशा अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर्स को लेना है। दैट मीन्स अगर जैसे आप शुगर की जगह, वाइट शुगर की जगह अगर आप जैगरी ले लेते हैं जो कि एक अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर है, इट विल बी ए बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। सेकेंड थिंग इज स्टीविया। स्टीविया जो है वो एक नेचुरल लीव्स होते हैं और जो कि एक शुगर रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। अगर आपको चाय पसंद है, आप छोड़ नहीं सकते चाय, तो आप स्टीविया के शुगर की जगह स्टीविया के लीव्स उसमें डाल सकते हैं। वो चाय जो है वो अपना जो टेस्ट है वो मीठा हो जाएगा, उससे स्वीट टेस्ट हो जाएगा चाय का। सेकेंड इज बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, जो कि एक मैजिक का काम करते हैं इन क्वेरिंग PCOS और डिफरेंट सिम्टम्स को क्वेयर करने में हेल्प करते हैं PCOS की। सबसे पहले है बेजिल लीव्स। बेजिल मतलब तुलसी। अगर आप सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक 10 जो लीव्स हैं बेजिल के वो खा लेंगे, मे बी आप पानी में डाल के पीना सक जा सकते हैं और ऐसे सिंपली च्यू कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो बेसिल है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट आल्सो और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करता है ताकि हमारा जो जो भी हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस कैरी ऑन हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली हो सके और हमारा खाना, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। और मेथी दाना, इज़ ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल इन क्यूरिंग PCOS। मेथी दाना को अगर आप एक या दो टीस्पून रात को भिगो के सुबह उठकर एक ग्लास वाटर में अगर पी लेंगे वो पानी, तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर क्योरिंग दिस PCOS। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट हर्ब इज स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बेसिकली ये एक साइनोबैक्टीरिया है, एक फॉर्म ऑफ एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है। कहा जाता है कि जो टर्टाइस है वो 300-200 ईयर्स जो है वो उसकी लाइफ स्पैन होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरुलिना को ही खाता है। स्पिरुलिना को हम सुपर फूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसमें हमारे फूड आइटम से कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन इसकी वैल्यू है। इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सिलीनियम होता है, बहुत सारे अमाउंट ऑफ आप क्या कह लो कि एक अपने आप में एक ये एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम इसको सुपर फूड कहते हैं। और ये ओबेसिटी को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप स्पिरुलिना टेबलेट और पाउडर फॉर्म दोनों में अवेलेबल होता है, आप किस भी फॉर्म में उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो बहुत बेनिफिशियल है इन क्योरिंग दैट दिस PCOS एंड ऑल द थिंग्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, ये सारे सिम्टम्स PCOS के कारण ही निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग भी हो सकते हैं, बट मोस्टली हेयर फॉल होना, ज़्यादा हेयर डेवलपमेंट बॉडी में, ज़्यादा हेयर डेवलपमेंट हो जाती है, बट जो सिर के बाल होते हैं वो गिरना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स को क्योर करने में बहुत हद तक बेनिफिशियल होता है स्पिरुलिना। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब इज सिनेमन और दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा हर्ब है जो कि आप शुगर की रिप्लेसमेंट में डाल सकते हैं टी के बीच में, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि सिनेमन जो है वो हमारे इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को रेगुलाइज करने में हेल्प करता है। जो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया होता है उसको रेगुलाइज करने में हेल्प करता है, नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल लगेगी। अगर आप इसको, अगर आप PCOS है या फैमिली में सिस्टर को, किसी को भी PCOS है, तो आप ये सारी चीज़ें उसको एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के रिलेटेड कुछ और क्वेरीज हैं आपकी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप जम्मू में रहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक भी आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक जो है वो नीचे आपको एड्रेस दिख रहा होगा मेरे क्लिनिक का, आप क्लिनिक या मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कुछ छोटी मोटी क्वेरीज हैं तो आपको कॉल करके या कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।